क्या कभी विजय माल्या को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है, या नीरव मोदी को खनिज मंत्री, या फिर केजरीवाल को मुख्यमंत्री? अच्छा वो तो है, सॉरी। अच्छा हर्षद मेहता को फाइनेंस मिनिस्टर। फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसे व्यक्ति को डिफेंस मिनिस्टर क्यों बनाया होगा जिसके ऊपर सेना के लिए खरीदी गई जीप्स में घोटाले के सीधे आरोप थे। तो यह है बिगेस्ट स्कैम्स ऑफ इंडिया सीरीज का पहला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आजाद भारत के पहले बड़े स्कैम की, जिसमें देश के दो सबसे ताकतवर लोगों पर इल्जाम लगे। भारत के आजाद होने के दो महीने बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हमले का जवाब देने के लिए सेना को मोबिलाइज करने में जीप्स की कमी एक बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए सेना को कुल 4600 जीप्स की तुरंत जरूरत थी। इस कमी को पूरा करने के लिए 3 लोगों की हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई, जिसमें डिफेंस सेक्रेटरी HM पटेल, कमांडर इन चीफ और फाइनेंशियल एडवाइजर AK चंद्रा थे। ये कमेटी जीप प्रोक्योरमेंट के लिए कोई भी डील क्रैक नहीं कर पाई। इसके बाद AK चंद्रा ब्रिटेन गए। वहाँ उन्होंने जून 1948 में बताया कि ब्रिटेन में 1500 रिकंडीशन जीप अवेलेबल है। रिकंडीशन यानी सेकेंड हैंड जीप्स, जिनका यूज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हो चुका है। AK चंद्रा की इन्फॉर्मेशन के बाद डिफेंस सेक्रेटरी ने इन जीप्स की प्रोक्योरमेंट के लिए हरी झंडी दिखाई। 300 पाउंड पर जीप के दाम पर 2000 जीप्स का ऑर्डर दिया गया। हालांकि उस समय पर सेम प्राइस में बिल्कुल नई जीप्स US और कनाडा जैसे देशों में मिल रही थी, लेकिन लॉजिक दिया गया कि ब्रिटेन से आने वाली 2000 जीप तुरंत मिल जाएंगी और 3 सालों तक स्पेयर पार्ट्स देने की भी डील हो गई थी। आपको राफेल डील याद है, जहां एलिगेशंस लगे कि अनिल अंबानी की रिलायंस एयर स्पेस को कोई एक्सपर्टीज न होने और एक रिलेटिवली नई कंपनी होने के बाद भी HAL की जगह चूज किया गया। क्रोनी कैपिटलिज्म के तमाम आरोप लगे। 1948 की जीप स्कैंडल में जिस एंटी मिसांटेट नाम की कंपनी के साथ डील की गई थी, उसकी कुल वैल्यूएशन सिर्फ 605 पाउंड थी और उसे $172,000 के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जिसमें उसे सारी जीप्स को खरीदकर उनका रंग रोगन करके भारत भेजना था। इस कंपनी को ही डील दिए जाने के पीछे नाम आता है इंडियन हाई कमिश्नर टू ब्रिटेन और नेहरू जी के खास वेंगालिल के कृष्णा मेनन का। एंटी मिसांटेट नाम की एक कंपनी के साथ की गई, जो 5 महीने में पूरी होनी थी। उस समय ये पूरी डील $172,000 की थी, जिसमें 65% पैसा एक इंस्पेक्शन कंपनी द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद किया जाना था। जीपों के शिप्स पर चढ़ाए जाने के बाद 20% पैसा और बचा हुआ 15% पैसा जीप्स के भारत आने के 1 महीने बाद दिया जाना तय हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, 9 जुलाई 1948 को डील साइन हुई, जिसके 1 महीने बाद ही 65% पैसा एंटी मिसांटेट को दे दिया गया, जिसके लिए डील के नियमों में बदलाव किए गए। अब सिर्फ 10% जीप का ही इंस्पेक्शन किया जाना था और वैसे बिना किसी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के ही पैसे दे दिए गए। अब इसके पीछे लॉजिक दिया गया कि कंपनी को जीप्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब अगला बवाल तब हुआ जब 5 महीने बाद एक भी जीप भारत नहीं पहुंची। 26 दिसंबर 1948 को डिफेंस मिनिस्टर ने कृष्णा मेनन से क्लेरिफिकेशन मांगा, तो उनका जवाब था कि 1300 जीप्स का शिपमेंट भारत भेज दिया गया है। 3 महीने बाद ये शिप जब मद्रास पहुंची तो उनमें सिर्फ 155 जीप्स थी और इन जीप्स को भी इंडियन आर्मी ने यूज करने लायक नहीं माना। बाकी 1145 जीप कहां गई? VK कृष्णा मेनन को वो जीप छोड़िए, एंटी मिसांटेट कंपनी ही नहीं मिली। ये डील इस स्कैम के बाहर आने के बाद क्या किया गया? जांच? जी नहीं। जनवरी 1949 में युद्ध खत्म हो चुका था और जीप खरीद में घोटाले की सुगबुगी होने लगी थी। कृष्णा मेनन की इमेज पर बात ना पहुंचे तो कवर अप चालू हुआ। SCK एजेंसीज नाम की एक कंपनी को 1007 पुरानी जीपों का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब पर जीप कॉस्ट थी 458 पाउंड, जिन्हें हर महीने 68 जीप के हिसाब से भेजना तय हुआ। साथ ही साथ एंटी मिसांटेट की डील में हुई नुकसान की भरपाई के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट 19 लाख का क्रेडिट प्रोवाइड करेगी। फॉर अननोन रीजंस ये जो 68 जीप पर मंथ भेजने वाली चीज थी, 6 महीने के लिए 12 जीप पर मंथ कर दी गई। 6 महीने बाद 120 जीप पर मंथ भेजने की डील हुई, जब तक कि कुल 1007 जीप भारत न आ जाए। लेकिन 2 साल में सिर्फ 49 जीप ही भारत आई और फिर SCK एजेंसीज भी गायब हो गई। देश में फिर बवाल हुआ। आरोप नेहरू जी के करीबी VK कृष्णा मेनन पर था, तो अनंत स्वामी अयंगर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई,
9 अप्रैल 1951 को इस कमेटी ने नेहरू जी को एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि वी के कृष्णा मेनन ने बिना किसी अप्रूवल के पेमेंट किए, लेकिन कमेटी की फाइंडिंग्स पर कोई स्टेप नहीं लिया गया। 3 साल बाद 18 दिसंबर 1954 को गवर्नमेंट ने कमेटी को अपनी फाइंडिंग्स को रिकंसिडर करने के लिए कहा, लेकिन कमेटी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 30 सितंबर 1955 को तब के होम मिनिस्टर जीबी पंत ने यह कहते हुए केस को बंद कर दिया कि जहां तक सरकार का सवाल है तो केस बंद किया जाता है, बाकी विपक्ष आए तो चुनाव में इस मुद्दे को उठा सकता है। जीप स्कैंडल में शुरू से अंत तक सिर्फ फ्लॉज ही फ्लॉज हैं। एक अननोन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, बिना इंस्पेक्शन के पैसे भी दे दिए गए, नई और बेटर जीप्स खरीदने की जगह पुरानी जीप्स ली गई। युद्ध खत्म होने के बाद जब कोई अर्जेंसी नहीं थी तब भी ज्यादा कीमत पर वही पुरानी खटारा जीप्स ली गई। और सबसे बड़ी बात, इस स्कैंडल के सबसे बड़े आरोपी कृष्णा मेनन को रिवॉर्ड किया गया। 3 फरवरी 1956 को उन्हें यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो के तौर पर शामिल कर लिया गया। 1957 को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। 1962 वॉर के टाइम पर यही कृष्णा मेनन देश के रक्षा मंत्री थे, जिनकी गलत नीतियों की वजह से हमें हार झेलनी पड़ी। हालांकि 62 वॉर एक अलग कहानी है जिस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन स्कैमस्टर्स को रिवॉर्ड करने की परंपरा हमारे देश में तभी से शुरू हो गई। इस जीप स्कैंडल पर आपका क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल के और वीडियोस भी देखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।